हेलो अंडा, वेलकम यू ऑल टू विना ये सिंधो। मैं वैष्णवी शुक्ला। हम लोग कर रहे हैं पटवारी के लिए प्रैक्टिस, और ये अभी ग्रुप टू ग्रुप फोर वाला जो पेपर हुआ था वो चल रहा है। देन आफ्टर हम लोग SI के करेंगे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात की, यार आप डिमांड कर रहे हो क्लास रेगुलर लाओ। देखो, दो बातें हैं। पहली बात ये है कि हम इस चैनल पर, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए, इसमें व्यापम के लिए कुछ नहीं होता। तो ये जो क्लासेज हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं, हमारे किसी फायदे के लिए नहीं है। कोई मॉनेटरली हमारा फायदा नहीं है। दूसरी बात, मेरा जो पर्सनल चैनल है ना, उस पर भी मैं व्यापम के लिए कुछ नहीं पढ़ाती, मैं SSC के लिए मेनली पढ़ाती हूँ। तो इस चैनल पर जो भी क्लासेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, वो उसमें हमारा पर्सनल कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारा कोई मॉनेटरली कोई गेन नहीं है, कोई पॉपुलरिटी वाली बात नहीं। क्योंकि अगर हम अपना चैनल ग्रो भी करवाना चाहें तो ये हो ना कि फिर हम उसमें बाद में कोर्स लॉन्च करें, जो कि होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो उस हिसाब से मैं डेली क्लासेस लूँगी। क्योंकि एक क्लास के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है यार, है ना। और जब पता है आपको कि हमारा मोटिवेशन और कुछ है ही नहीं, सिर्फ सिर्फ आपकी हेल्प करने के अलावा, तो क्लासेस में थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के पास चीज़ें पहुँचें, और फिर हमें अच्छा लगेगा तो हम भी आएंगे पढ़ाने। ठीक है, तुम्हें भी तो मोटिवेशन ही है ना, मतलब पैसे मिलेंगे नौकरी के बाद, वो उस बात का। ठीक है, चलो। तो 29 जुलाई शिफ्ट 1 है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन पर स्विच करूंगी मैं सीधा, टाइम अपने पास कम है। तो क्वेश्चन कह रहा है, डैश ऑफ द टू ब्रदर्स मैनेज टू स्कोर वेल इन द IAS एग्जामिनेशन इवन दो दे हैड स्टडीड वेरी हार्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले अपन हिंदी में सारी चीज़ें समझेंगे, फिर ऑप्शंस पे चलेंगे जैसे डेली जाते हैं, एंड देन फिर देखेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखो, डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों की बात हो रही है ना। ब्रदर्स मैनेज टू स्कोर वेल इन द एग्जाम इन द एग्जामिनेशन इवन दो, अब यहाँ पे देखना ना, यहाँ से जो सेंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा। इवन दो दे हैड स्टडीड वेरी हार्ड। अब देखो यहाँ पे, ये जो दो भाई हैं, यहाँ पे इवन दो जो लगा है ना, ये क्या बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है। अब बात यहाँ से कैसे पलट गई थी कि पहले तो हमने कहा कि दो भाई जो हैं IAS के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे वो, लेकिन अब हुआ क्या कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, फिर भी क्या हुआ, कुछ सफल नहीं हुए होंगे। नेगेटिव सेंस जा रहा है यहाँ से, है ना। इवन दो दे हैड स्टडीड वेरी हार्ड, ठीक है, डैश ऑफ द टू ब्रदर मैनेज टू स्कोर वेल इन द IAS एग्जाम। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में चलते हैं हम लोग। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है एनी, मैंने आपको बता ही दिया था एनी मतलब क्या होता है, कोई, है ना। और देखो मैंने इतना इमला इबारत लिखा कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आने लग गई है। वेल, जो का पार्ट, ये हमारे सॉफ्टवेयर का कमाल है। ठीक वो सुधार के दे रहा है मेरी हैंड राइटिंग, इसको सुधारने के बाद भी इतनी गंदी आ रही। तो एनी का मतलब मैंने आपको बताया था कोई, और मैंने ये बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज़ होता है ना, पॉजिटिव में नहीं यूज़ होता। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव के लिए सम यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नीदर का मतलब मैंने आपको बताया था दो में से कोई भी नहीं। ठीक, दो में से कोई नहीं। ठीक, एवरी का मतलब होता है सभी, पहले ही बताया था, बहुत आसान है। और सम तो ये हो ही गया है। ठीक है, तो मतलब काट दो, तो वैसे आंसर तक पहुंच गए होगे। अब देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता होता और तुम एक नाइजीरिया के बच्चे होते जिसे कुछ नहीं आता, उसके बाद भी तुमने आंसर निकाल लिया होता, कैसे? देखो यार, आंखें बंद करो, सिर्फ एक चीज़ देखा करो, है ना। पहले तो क्वेश्चन देखो सरसरी निगाह में, और दूसरा उसके बाद ऑप्शंस में जाओ। यहाँ तुम्हें टू दिख रहा है, अब यहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता हो स्पेसिफिकली? कोई ज़्यादा दिख रहे हैं ऑप्शन, नहीं दिख रहे होंगे। आप कहोगे नहीं मैम, एक ही दिख रहा है, नीदर वाला, तो यही आंसर है ना भाई, है ना। जब साफ साफ खुल्लम खुल्ला दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, इट मीन्स वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको नीदर का यूज़ आता है या नहीं आता। तो बस इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हें नहीं पता हो वो लिखते जाएंगे, जिन्हें पता हो वो रिविजन करेंगे। वाई डिड यू स्टे इन अ होटल, तुम होटल में क्यों रुके? When you visited Bristol, जब तुम Bristol गए, you dash have stayed with us, ठीक है। अब देखो ये ऐसा कह रहा है कि भाई हमारे साथ रुक जाते, होटल में क्यों रुके हुए थे। ठीक है, चलो ऑप्शंस में आते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है, have stayed, यानी ये किस में चल रहा है? आप कहोगे मैम अब प्रेजेंट में तो नहीं चल रहा, प्रेजेंट का मतलब है कि हमारा इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस में तो नहीं चल रहा, यानी यहाँ पुरानी बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखोगे why did you stay, Why did लगा है, did किस में लगता है? Past tense में लगता है, नहीं, बात हमारी हो रही है past tense में हो रही है। तो क्या हम shall को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। Can को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो दो चीज़ें तो चली गई, क्यों? क्योंकि can का past form होता है could, और shall का past form should होता है। ठीक है, तो ये होंगे नहीं। फिर हमारा बचता है could और would, could और would में से क्या हो सकता है? तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे would लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे वुड लगा दिया, तो देखो वुड हैव स्टेड, अब वुड क्या बताता है, सर्टेनिटी को बताता है। जैसे मान लो मैंने कहा
कि आई वुड हैव डन दिस वर्क बाय दिस टाइम, यानी इस समय तक मैं ये काम कर चुकी होंगी, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, और ये सर्टेनिटी बता रहा है। लेकिन कुड जो है वो संभावना की बात कर रहा है। अब देखो, कोई भी अगर आपको रुकने के लिए कहेगा तो क्या कहेगा, भाई तुम मेरे यहाँ रुक सकते थे, ठीक है। तो ये सकना जो मैंने बताया था कैन, ठीक है, कैन के लिए क्या वर्ड आता है हिंदी का, सकना। और देखो क्या है कि अगर इंग्लिश में कमांड अच्छी करनी हो तो हर एक छोटे वर्ड का आपको हिंदी आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये अच्छा कर पाओगे। मैंने एक दिन बोला भी था कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो जो भाषा हमें आती है उसका सहारा लेके हम नई भाषा सीखते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ऑप्शन नंबर वन इज अवर करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। व्हाई डिड यू स्टे इन अ होटल व्हेन यू विजिटेड ब्रिस्टल, यू कुड हैव स्टेड विद अस, ठीक है। तो हमारे साथ रुक गए होते, होटल क्यों गए थे खर्चा करने। नेक्स्ट कह रहा है, डैश ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन डैश कॉलेज कैंटीन टुडे वाज नॉट टेस्टी, यानी इनको जो ब्रेकफास्ट मिला था कॉलेज की कैंटीन में वो स्वादिष्ट नहीं लगा इनको, है ना। टेस्टी मतलब क्या, स्वाद की बात हो रही। चलो, अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, पहली बात तो इसका उच्चारण किससे आ रहा है, आप कहोगे मैम ब्रेकफास्ट, है ना, बी से आ रहा, बा से आ रहा है। बा से अगर आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनंसिएशन जब हमारा कैसा होता है, कॉन्सोनेंट का होता है, तो हम उस केस में एन को हटा देते हैं, ठीक है। अभी ए ई आई ओ यू मत देखना, ठीक है, सिर्फ प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है अपन को, यानी एन तो यहाँ कहीं लगेगा ना, इसलिए यहाँ पे एन दिया भी नहीं गया। अब एक बात आप मुझे बताइए कि जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह का नाश्ता, तो नाश्ते को काउंट कर सकते हो क्या 1 2 3 4 में? आप कहोगे नहीं कर सकते। भाई नाश्ता जो है ना एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिवली आप जो भी चीज़ें खाते हो उनको आप कहते हो नाश्ता, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ओके। तो काउंट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या ए लगेगा आर्टिकल? आप कहोगे नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए और एन इनका मतलब क्या होता है। अरे भाई क्या हो गया इसको, अच्छा, ए और एन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इनका मतलब होता है सिंगुलर, है ना। जब कोई भी चीज़ संख्या में एक होगी तो हम उसमें ए या एन लगाएंगे। अब अगर कोई चीज़ संख्या में एक है यानी वो काउंटेबल है, ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट इज नॉट काउंटेबल, सो विल नॉट यूज ए ओवर हियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर बचा तीन ही तो होते हैं, तो दा बच गया। अब ये क्या हो गया, द ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन, अब आगे देखना, देखो कॉलेज सी से चालू होता है तो एन तो नहीं आएगा, तो कट गया। अब द ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन, अब देखो तुम किसी डेफिनेट फिक्स कॉलेज की बात कर रहे हो, डिफाइंड कॉलेज की बात कर रहे हो। भाई कोई कॉलेज है जिसकी कैंटीन में तुमने खाना खाया है, ठीक है, तो वो कैसा है? वो डेफिनेट है, डिफाइंड है, कोई आप रैंडम कॉलेज की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक की बात कर रहे हो। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, आपको कि मैम द होता है, आंखें बंद करो, द लगाओ, बहुत आसान था, खत्म हो गई बात आपकी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तो द ब्रेकफास्ट सर्व्ड इन द कॉलेज कैंटीन टुडे वॉज नॉट टेस्टी, आज जो कॉलेज की कैंटीन में नाश्ता सर्व किया गया था, परोसा गया था, वो टेस्टी नहीं था, स्वादिष्ट नहीं था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा, सेलेक्ट द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब कंजंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, योजक, यानी जो चीज़ों को जोड़ता है, किन चीज़ों को जोड़ता है, तो पता ही है आपको, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, फ्रेजेस को, ठीक है, जो जोड़ेगा उसको कहेंगे कंजंक्शन। अब देखेंगे चार जो है हमारे, चारों कंजंक्शन है, पहले ना हम इनका सबका मतलब समझ लेते हैं। एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ही वॉज वॉकिंग एज इफ ही वॉज अ किंग, ठीक है, या ही वर अ किंग। अब आप यहाँ पे देखिए, अब वर क्यों लगा दिया, तो इमेजिनरी है इसलिए लगाया है वर, आगे भी इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज इफ का मतलब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ कि वो ऐसे चल रहा था मानो वो राजा हो, ठीक है। तो मानो वो जो एज इफ जो मैंने लगाया है ना, वही सेंस दे रहा है कि मानो कि वो राजा हो या जैसे कि वो राजा हो, ठीक है। तो जैसे कि या फिर मानो कि, ऐसा लिख लेना, ठीक है। ये हिंदी इसलिए बताती हूँ क्योंकि बिना हिंदी जाने काम कर नहीं पाओगे सही से, है ना। चलो, इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है, सबको पता है ना, ठीक। तो जहाँ भी यदि वाला सेंस आएगा वहाँ इफ लग जाएगा, वेरी इजी। अनलेस देख, अब ध्यान देना, अनलेस यही है थोड़ा ढंग का, बाकी सब तो बहुत आसान पिल्ले वाले हैं। तो अनलेस का मतलब होता है क्या, इफ नॉट या फिर यदि नहीं, ठीक। और एक किसी का छोटा भाई होता अनटिल, बता देती हूँ मैं, अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक, ध्यान देना। भी ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी इनके अंदर एक नॉट छुपा होता है। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों में नहीं नहीं लिखा है, और नहीं को क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं, ठीक है।
तो अनलेस और अनटिल दोनों में एक नॉट छुपा होता है, एक का मतलब होता है यदि नहीं और एक का मतलब होता है जब तक नहीं। अब एक इसका और डिफरेंस समझना, जो आपका अनलेस है वो बताता है कंडीशन को, शर्त को, है ना। गुलाबी कलर ले लेते हैं बढ़िया सा, इसको किसको बताता है ये, शर्त को, ठीक। और जो अनटिल है ये बताता है समय को, है ना। जैसे देखो मैंने कहा कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं हो पाओगे, ये क्या शर्त है भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें पास होना है, ठीक है। तो उस केस में मैं लगाऊंगी अनलेस। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब तक तुम नहीं आओगे, अरे बोलते नहीं है बाबू जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा वाला, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, 3 प्लेट खा चुके होते हैं जो भी जिनके बाबू हैं जो ऐसा कहते हैं। एनीवे, तो ये जो कहते हैं कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, तो ये क्या, किसकी बात हो रही है, ये समय की बात हो रही है। तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे अनटिल। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर इनके अंदर नॉट छुपा हुआ है तो कभी भी जब भी अनलेस और अनटिल सेंटेंस में आएंगे तो आपको अलग से एक नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सेंटेंस की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो एक सेंटेंस है उसमें अगर अनलेस आया है तो उसी के आजू बाजू कहीं नॉट मत लगा देना, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। सुपरफ्लुअस हो जाएगा का मतलब क्या है कि ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा को कहते हैं सुपरफ्लुअस, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई पेपर नहीं है चाहे SSC का हो चाहे बैंक का हो चाहे व्यापम का हो जिसमें इससे सवाल ना पूछे गए हो, तो इसको लिख लीजिए कहीं पे। व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है, और ये स्थिति कंडीशन समय सब कुछ बता देता है, ठीक, बड़े आदमी है। चलो, डैश हरी ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट सक्सीड, ध्यान देना हरी, अब बात क्या कही जा रही है कि हरी ट्राइज हार्ड, यानी हरी जो है वो कड़ी मेहनत करता है, ही कैन नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या कहा जा रहा है, भाई हरी तुम जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो पाओगे, यानी किसकी बात हो रही, शर्त की बात हो रही ना। अभी मैंने बताया शर्त की बात जब होती है तो क्या लगाते हो, कंडीशन है ना भाई, पास होना है अगर हरी को तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, कंडीशन है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन है तो उस केस में हम लोग अनलेस लगा देंगे आंखें बंद करके, बताओ कितना आसान था, इससे आसान कुछ हो सकता है दुनिया में, ठीक है। अनलेस हरी ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट सक्सीड, क्लियर, बहुत बढ़िया। जिनको लिखना हो लिख लें, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन्हें फेल होना हो वो कुछ ना करें, इसको देख के आगे बढ़ जाएं, ठीक है, पेपर में आएगा तो फिर बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यानी प्रश्न कुछ हल्ले का, वही जो हिंदी में उसको कहते हैं। तो द यंग मैजिशियन लर्नड ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स, यानी जो यंग मैजिशियन, यंग मतलब जवान, जो जवान मैजिशियन था उसने हर तरीके की ट्रिक्स, हर तरीके की जादू वाली ट्रिक्स सीख ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देख के कहोगे मैम सेंटेंस तो पॉजिटिव है क्योंकि कहीं भी कोई नॉट नहीं लगा, यानी अब क्वेश्चन टैग इसका क्या, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। नेगेटिव बनेगा तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि नॉट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके लिए मैंने बताया था कि पहला काम आपको सेंटेंस को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव, दूसरा काम आपको क्या करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग की बनेगी। लेकिन अब यहाँ बहुत समस्या वाली बात यह हो गई कि द यंग मैजिशियन लर्नड ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब, कहीं नहीं दिखी, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर थोड़ा भी ज्ञान चक्षु तुम्हारे खुले होंगे तो तुमने ये देखा होगा कि यहाँ पे लर्नड लगा हुआ है। लर्नड क्या होता है, लर्न मतलब सीखना, और लर्न के जो फॉर्म चलते हैं वो क्या होते हैं, लर्नड, ठीक है। तो ये जो लर्नड है दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है आपको लगाना पड़ता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो आप उस केस में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, ठीक है। अब एक आप मुझे बात बताइए कि ये सेंटेंस जो है ये आपका पॉजिटिव है और आपको इसका जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड में नहीं चेंज हो जाएगी, आप बोलोगे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता ही डिड है, ठीक है। तो बस ये गुत्थी भी सुलझ गई। अब देखो लिखने का तरीका मैंने बताया ही था, पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर अगर आपका जो क्वेश्चन टैग अगर वो नेगेटिव बन रहा हो तो फिर आप उसमें नॉट लगाएंगे, ठीक है, और प्लस आप लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट के लिए एक प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट में एक लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैंने बताया कि वो आपका सेकंड फॉर्म है, डिड लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिड, और ये क्या हो गया, प्लस नॉट हो गया, और यहाँ पे द यंग मैजिशियन, यंग मैजिशियन क्या है, एक लड़का है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या देंगे, जाहिर सी बात है ही देंगे, भाई यंग मैजिशियन लड़का है ना, तो लड़का है तो लड़के को ही करेंगे, ठीक, और सिंगुलर है ये, यहाँ मैजिशियंस अगर होता तो हम क्या कर देते, फिर
हम लोग दे कर देते उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है, कभी भी डिड नॉट नहीं देखा होगा, क्या देखा होगा, डिडंट देखा होगा, ठीक है। यानी कैसा लिख देंगे इसको, DID, ठीक। ये अब तो तुम्हें आंसर मिल ही गया होगा यार, ठीक है। और एन के ऊपर अपोस्ट्रोफ है और ऐसे एड्स, आई मीन टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिडंट ही, यानी कौन सा ऑप्शन में है भाई, देखो यहाँ पर डिड ही है। अच्छा देखो एक और तरीका बताती हूँ तुम्हें ऑप्शंस काटने का, दो ऑप्शन तो तुमने ऐसे ही काट लिए होते जब तुमने इसको पढ़ा था और देखा था कि ये पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो ऐसे काट दिए होते, तो बर्डन कम होता है ऐसे में। अब एक और चीज़ ध्यान देखो, मतलब अगर तुम्हें नहीं भी इतना कुछ पता होता ना तो तुम यूँ ही आंसर निकाल लेते, पूछो कैसे। मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैम यहाँ पे व्हाट इज दिस, चलो मान लो तुम्हारा अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैम मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे डिड लगेगा क्या लगेगा, दिमाग ही नहीं चल रहा, तो इतना तो दिमाग चलेगा ना कि यहाँ अगर कुडंट है तो यहाँ कहीं कुड होना चाहिए, तब तो कुडंट होगा ना वो, ठीक है। तो यहाँ तो कहीं कुड है नहीं, तो फिर इसको भी काट देते, यानी आंसर तक तो आप यूं ही चले गए थे, ठीक है, कुछ बिना किए हुए। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते। अब आपको बताना है एरर, क्वेश्चन कह रहा है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय फादर वाज एंग्री अपॉन मी। देखो इस क्वेश्चन को सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लेके आई हूँ मैं, आपके पास दो चीजें होती हैं, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। आप कोई भी व्यक्ति दो तरीके से गुस्सा होगा, कौन से, या तो आप किसी इंसान पे गुस्सा हो, है ना, कि तेरा शक्ल खराब है तेरे पे ही गुस्सा हूँ मैं, ठीक है, और या तो आप उसकी हरकतों पे गुस्सा हो, ठीक। अब जब आप किसी इंसान पे गुस्सा रहेंगे तो आप लगाएंगे एंग्री विथ, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, है ना। जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो आप लगाएंगे एंग्री विथ, और जब आप किसी व्यक्ति से, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति आपका बहुत अच्छा दोस्त है पर उसकी हरकतें खराब हैं, तो इन दैट केस आप क्या लगाएंगे, अब उसकी किसी हरकत से गुस्सा है तो क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे एंग्री एट, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये किसी भी आदत के लिए, हरकत के लिए, चलो मैं हरकत लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम देसी से देसी शब्द लिखूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश का वैसे भी अपन सबका इंग्लिश में हाथ तंग होता है, है ना। चलो तो ये दोनों चीज़ें अगर समझ गए हो तो अभी आंसर तक खुद ही पहुँच जाओगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, वाई माई फादर वॉज एंग्री, मेरे पिता क्यों गुस्सा थे, अपॉन मी। अब आपको मैंने बता दिया पहली बात कि अपॉन वो अपॉन तो कुछ होता ही नहीं है, दो ही चीज़ें होती है, एक होता है एंग्री विथ और एक होता है एंग्री एट। अब जो पिताजी थे वो किसी हरकत पे गुस्सा थे या आप पे गुस्सा थे, तो यहाँ हरकत का तो कोई मेंशन नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा सीधा मी, है ना, सीधा सीधा क्या लिखा हुआ, मी लिखा हुआ, और उसके आगे बाजू कोई, आजू बाजू कोई हरकत की बात नहीं करी गई। अगर हरकत की बात नहीं करी गई तो आप सारी चीज़ें हटाइए, है ना, इसको हटाइए और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप विथ लगा देंगे, क्योंकि आपके पिताजी अब आप ही से गुस्सा हैं, ठीक है, ओके। चलो तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही बेरर था, ये अपॉन की जगह क्या होना चाहिए था, विथ होना चाहिए था, ठीक। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पुलिस अरेस्टेड डैश ऑफ थीव्स हु वर एक्टिव इन अवर एरिया, ठीक है। चलो कितना समय बचा हुआ है, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कह रहा है द पुलिस अरेस्टेड डैश ऑफ थीव्स हु वर एक्टिव इन अवर एरिया। तो पुलिस ने अरेस्ट करना मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किसको, चोरों को, कौन से चोर, हु वर एक्टिव इन अवर एरिया, जो हमारे एरिया में एक्टिव थे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन ही ये बताना है, यानी एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि चोरों के जो झुंड होता है, बहुत सारे चोर होते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला, अब चलो यहाँ से चलते हैं, मोब, मोब मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है, मोब मतलब होता है भीड़। ग्रुप, तो ग्रुप तो मतलब किसी भी, किसी का भी हो सकता है ग्रुप, तो है ना, तो ग्रुप कोई स्पेसिफिक ऐसा टर्म नहीं है कि चोरों के लिए यूज़ होगा कि कुत्तों के लिए यूज़ होगा कि इंसानों के लिए यूज़ होगा, ग्रुप मतलब ग्रुप, आप कोई भी जो है, पेन भी ऐसे गुच्छे में आ जाएगी तो उसको भी कह सकते हैं कि ग्रुप, ठीक है। चलो तो ग्रुप होगा नहीं, क्राउड मतलब भी क्या होता है, क्राउड मतलब भी होता है भीड़, ठीक। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, गैंग, गैंग क्या होता है, गैंग एक नेगेटिव वर्ड होता है और गैंग हमेशा चोरों का, गुंडों का, मवालियों का, ऐसा है ना, नेगेटिव सेंस में होता है, तो इन्हीं का गैंग हुआ करता है, ठीक। ये माइनस लगाया है, इट मींस ये नेगेटिव है, है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, द पुलिस अरेस्टेड द गैंग ऑफ थीव्स हु वर एक्टिव इन अवर एरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज डैश द ट्रूथ एल्स यू विल बी पनिश्ड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये जो प्लीज लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा एक्चुअली जो सेंटेंस है मेन सेंटेंस ये यहाँ से चालू होता है। सब्जेक्ट कौन है, यू है, विल भी क्या है उसकी, हेल्पिंग वर्ब है। ये किस में चल रहा है, ये चल रहा है पैसिव फॉर्मेट में, ठीक है, किस में चल रहा है पैसिव फॉर्मेट में। तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इधर रखे हुए हैं, इसलिए अब आप प्लीज़ को सब्जेक्ट बना के यहाँ कुछ भी ना लगाने की कोशिश करें, और याद रखें कि ये जो प्लीज़ लगा है उसके बाद जब भी कोई भी वर्ड आएगा वो नाउन के फॉर्म में ही आएगा, वो वर्ब के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, किस में आएगा, नाउन के फॉर्म में ही आएगा। तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, और ये कट जाएगा क्योंकि स्पोक क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो कट गया, वर्ब के फॉर्म में है। इज स्पीकिंग क्या है, जाहिर सी बात है, अब प्लीज इज स्पीकिंग यानी प्लीज बोल रहा है, ठीक है, तो सेंस भी नहीं दे रहा, ठीक। स्पीकिंग जीरेंट फॉर्म हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लीज स्पीक द ट्रूथ यानी कृपया करके सच बोलिए, एल्स यू विल बी पनिश्ड, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। बहुत एकदम बच्चों वाले सवाल हैं आपके, छोटे छोटे से, ठीक। नेक्स्ट कह रहे, द टेररिस्ट वर किल्ड, टेररिस्ट वर किल्ड डैश द कमांडोज इन अ फायर्स गन बैटल। फायर्स गन बैटल मतलब एकदम गला काट, बोलते हैं ना गला काट प्रतियोगिता, ठीक है, तो उसको कहते हैं। अब देखो, द टेररिस्ट वर किल्ड यानी टेररिस्ट जो है वो मारे जा रहे थे, डैश द कमांडोज इन अ फायर्स गन बैटल यानी गन की जो लड़ाई हो रही थी, बैटल हो रही थी, उसमें बहुत सारे टेररिस्ट जो थे वो मारे जा रहे थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, प्रपोजिशन लगाना है, देखो ध्यान से, एट के लिए मैंने आपको बताया था, एट जो क्या बताता है, प्लेस बताता है, कंडीशन बताता है, सिचुएशन बताता है, और एट और इन का मैंने डिफरेंस भी बताया था, बड़ा गोला छोटा गोला बना के, ठीक है, पहली वाली क्लास में आई थिंक बताया था, तो देख लेना जाके, है ना। और तो एट तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ स्थान वगैरह की बात नहीं की जा रही है, ठीक। बाय, बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा, हिंदी में द्वारा कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हिंदी अगर पता रहेगी ना तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे आप, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम मैंने बताया था, फ्रॉम एक्चुअली इसको हिंदी में से बोलते हैं, और ये बताता क्या है कि कोई भी काम कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, कोई भी काम कहाँ से शुरू हुआ है या कब से शुरू हुआ है, है ना। नेक्स्ट है आपका ऑन, तो ऑन बता ही दिया था आपको, ऊपर के सेंस में यूज होता है, ऐसे ऐसे करके मैंने गंदे गंदे से टेबल बनाए थे दो चार, है ना, और उस दिन आपको ऑन, अबव और ये सारा कुछ बताया था, टेबल बना रही थी, लड़के जैसा बन गया, चलो ठीक है। तो ऑन तो यहाँ पे होगा नहीं, अब ध्यान से देखो, जाहिर सी बात है, द टेररिस्ट वर किल्ड, टेररिस्ट जो है वो मारे जा रहे थे, किसी के द्वारा मारे जा रहे थे ना, कमांडोज के द्वारा मारे जा रहे थे ना, तो फिर द्वारा कौन सा प्रपोजिशन होता है जिसका हिंदी में सेंस निकलता है, द्वारा एक ही है, बाय, है ना, तो ऑप्शन नंबर टू इज अवर करेक्ट आंसर। बस इतना सड़ा सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आगे देखिए, डोंट वरी विल बी डैश टाइम फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी। ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें, हालांकि अभी तो ये इजी है, फिर भी अगर इसमें मुझे अगर पेपर सेट करने के लिए दिया जाता तो मैं इसमें एक ऑप्शन ऑन जरूर डाल देती, ठीक है, और ऑन डाल देती तो ये हो जाता कंट्रोवर्सियल, ठीक। चलो, तो डोंट वरी यानी चिंता मत करो, वी विल बी डैश टाइम मतलब हम समय से आ जाएंगे फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी यानी जो भी उद्घाटन समारोह है उसके लिए हम समय से आ जाएंगे। अब देखो, सीधी सी बात है, कभी भी यहाँ पे विद इन टाइम, अच्छा चलो मतलब समझ लो, विद इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर, किसी लिमिट के अंदर, ठीक है, के अंदर बोल सकते हो, है ना। अब के अंदर यानी किसी लिमिट की हम बात कर रहे हैं मेनली, जैसे मैंने कहा कि विद इन 3 वीक्स मुझे ये करना है यानी मुझे 3 हफ्ते के अंदर ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो ये बताता है आपके एक तरीके के लिमिट को। एट आपको पता ही है, इन आपको पता ही है, ठीक है, ये क्यों काट रही हूँ भाई, यही तो है आंसर। बाय आपको बता ही दिया है। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि या तो यहाँ पे इन टाइम होता है, ठीक है, या तो ऑन टाइम होता है, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ऑन टाइम, ठीक है, या फिर इन कर लो, चलो यहाँ पे अभी इन दिया हुआ तो इन टाइम, इन टाइम का मतलब क्या होता है, सही समय में, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इन टाइम का मतलब हुआ सही समय में। तो बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, और बहुत बहुत ही ज़्यादा पिल्ले वाले सवाल आते हैं आपके पेपर में, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। शी डैश ऑफ गोइंग ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको देखना है कि शी है, अकेली है ना, इकलौती है, तो वर नहीं लगेगा, क्यों,
क्योंकि आपको भी पता है कि वर और वॉज दो चीज़ें होती हैं, तो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप शी थिंक भी नहीं होगा, ठीक, क्यों? क्योंकि थिंक क्या है, वर्ब है, और वर्ब जब अपनी मुक्त अवस्था में होती है, फ्री फॉर्म में होती है, तो वो प्लूरल होती है, जब एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, ये तो बहुत बार बताया मैंने चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ऑफ गोइंग लगा हुआ है ना, ऑफ गोइंग लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है, ये एक्चुअली इज थिंकिंग। अब ये जो थिंकिंग है ना आपकी वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है आपकी, चौथे फॉर्म में है ये, एक्चुअली हमने इसको जीरेंड इसलिए ही बनाया है क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी आईएनजी वाली वर्ब रखी हुई थी, इसलिए हमने ऑफ गोइंग किया है, ठीक है। यानी कि थिंक्स यहाँ पे नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे थिंक्स को सही कर देती, ठीक है, अगर मैंने थिंक्स को सही किया होता, ये क्या हो जाता, शी थिंक्स, अब यहाँ पे ऑफ गोइंग ना कर देते, आप कर सकते थे शी थिंक्स टू गो ऑन लॉन्ग हॉलीडे, ठीक है, यानी वो लंबी छुट्टी में जाने के लिए सोचती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये सिर्फ इस थिंकिंग के कारण ही यहाँ पे ऑफ गोइंग दिया हुआ है, ठीक है, इस थिंकिंग के कारण यहाँ पे ऑफ गोइंग दिया हुआ है। हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा कम समझ आ रही हो अगर आपने बिल्कुल भी कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन है, अपन बेसिक से तो पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम जीरो से आपको बताऊँ, पर अब एकदम ही नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। दीज डॉग्स, अब देखो डॉग्स लिखा हुआ है ना, डॉग्स क्या है, प्लूरल है, तो अपन क्यों ना सिंगुलर वालों को काट दें, बस कट गया, इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पे लगेगा आर, ठीक। दीज डॉग्स आर वेरी एक्टिव, यानी ये जो कुत्ते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, विद इन दी हाउस, अब देखो विद इन यहाँ पे आ गया ना, विद इन का मतलब मैंने बताया था के अंदर, ठीक है, यानी घर के अंदर ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड लिटरली डैश बर्गलर अलार्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप विद इन द हाउस, एंड अब देखो यहाँ पे जो हमें जो वर्ब लगानी है वो किसके लिए लगानी है, इसका हिंदी में अगर मतलब समझोगे तो ये निकलेगा, बर्गलर का मतलब पहले मैं बता देती हूँ, बर्गलर का मतलब होता है जो घर तोड़ के घुसते हैं, यानी चोरी घुसेंगे जो घर तोड़ के, ठीक है, जबरदस्ती घर तोड़ के जो घुसते हैं उसको कहते हैं बर्गलर, ठीक, चोर, और कैसे वाले चोर, बड़े लेवल के जबरदस्ती घुसने वाले, देखो एक चीज समझना कि इंग्लिश में किसी भी वर्ड का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, वो जहां पे यूज किया जाता है ना उसी के हिसाब से उसकी मीनिंग जो है वो टर्न हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल जो मीनिंग निकल रही है वो बताया, और बाकी आप ये याद रखिएगा कि बर्गलर का मतलब ही होता है जो जबरदस्ती घर में घुसे, ठीक है। चलो तो अब जाहिर सी बात है कि कुत्तों के लिए ही ये बात कही जा रही है, दिस डॉग्स आर वेरी एक्टिव विद इन द हाउस, घर में ही ये कुत्ते बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एंड लिटरली डैश बर्गलर अलार्म्स, और ये जो चोर हैं उनके लिए क्या है, एक अलार्म का काम करते हैं, यानी कि चोर एकदम फटी में रहते हैं, इनके चक्कर में चोर घर पर घुस नहीं पाते। जाहिर सी बात है कुत्तों के लिए ही आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, तो कुत्ते प्लूरल है इसलिए यहाँ पे इज है ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, है ना, और आई होप सारी चीज़ें आपको बढ़िया लगी होंगी। तो करना आपको यही है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे, जितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, उतनी रेगुलर क्लासेज आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।